पूजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्रिं त्वं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यं त्वं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता
ह्रीं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्ष्यमामृता Thank you.
असुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागे रथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी।
मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधना। प्रेम से बोली आदि देव महादेव शिव की जय। भक्तों, शिव भगवान को संहार का देवता कहा जाता है। शिव जी सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। इन्हें अन्य देवों से बढ़कर माना जाने के कारण महादेव कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। शिव लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान परशुराम, भगवान राम, रावण, शनि, ऋषि, कश्यप आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें संभाव सर्वेश्वर कहा जाता है। भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। महज फल, फूल, जल, भांग, धतूरा और बेल पत्र अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल और डमरू, देह में विभूति और गले में सांप धारण किए हैं। शिव जी के कुछ प्रचलित नाम महाकाल, आदि देव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि हैं। भगवान शिव को रुद्र नाम से भी जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रुद्र दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। शिव सम्यक है शिव सर्वेश, शिव ही हरते कष्ट कलेश। शिव की छवि है लोक लुभावन, शिव का नाम है सबसे पावन। शिव करते हैं जग कल्याण, शिव परमेश है शिव प्रधान। शिव सृष्टि का है आधार, हे शिव नमन है बारंबार। शिव ही काल है शिव ही करार, शिव का रूप है विकट विशाल। अजर अमर अविनाशी शिव है, सत्य रूप कैलाशी शिव है। जो भी शिव का ध्यान लगाता दुख दारिद्र से मुक्ति पाता। जो भी जपता शिव का नाम, उसके बनते हैं बिगड़े काम। भक्तों, सनातन धर्म शास्त्रों में निहित है कि चीरकाल में असुरों के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। स्वर्ग नरेश इंद्र भी भयभीत हो उठे। उस समय देवी देवता और ऋषि मुनि सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों की मदद से समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का पान करने से आप सभी देवता अमर हो जाएंगे, लेकिन असुर अमृत पान ना करे। अगर कोई असुर अमृत पान कर लेता है तो वह अमर हो जाएगा। उस समय देवताओं और असुरों ने वासुकीनाथ और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए। इनमें सबसे पहले विष प्राप्त हुआ था। जब समुद्र मंथन से विष प्राप्त हुआ तो देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया कि कौन विष ग्रहण करेगा। उस समय भगवान शिव ने तीनों लोगों की रक्षा हेतु विष पान किया। विष पान के चलते भगवान शिव के गले में जलन होने लगा, उनका शरीर तपने लगा। यह देख देवी देवता व्याकुल हो उठे। तब देवताओं ने भगवान शिव को अपने शीश पर चंद्रमा धारण करने की सलाह दी। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, अतः भगवान शिव ने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण किया। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। चीरकाल की बात है भक्तों, जग में मचा था हाहाकार। असुरों का आतंक बढ़ा था, जब पीड़ित था संसार। तब गए देवता हरि के पास, कहा हरि हम आपके दास। असुर हुए हैं अति बलवान, आप इसका करो निदान। हरि ने कहा है एक समाधान, करो तुम सब अमृत का पान।
देवता नव संग वासुकी मंदार मंथन का किया विचार। विष निकला सागर मंथन से पिया से शिव त्रिलोचन ने तेज तपन वह चलन के कारण किया शीश पर चंद्र को धारण। भक्तों, भगवान शिव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती से हुआ था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने शिव व सती को निमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव के मना करने के बाद भी सती इस यज्ञ में आई, और जब उन्होंने यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो यज्ञ वेदी में कूद कर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। वीरभद्र के अलावा शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपलाद, नंदी, भैरव, अश्वत्थामा, शर्भावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्माचारी और यक्ष। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। शिव विवाह हुआ सती के साथ, रहते थे दोनों धाम कैलाश। सुख शांति से बीते हैं दिन, परंतु दक्ष का मन थमली। शिव अपमान को यज्ञ कराया, यज्ञ में शिव सती को न बुलाया। शिव ने कहा सती वहां न जा, अनहोनी को न पास बुला। सती न मानी गई अपने घर, वहां हुई उन्हें पीड़ा भयंकर। यज्ञ वेद में खुद को जलाया, सबके मन में डर समाया। क्रोधित शिव ने एक जटा को पर्वत पर है पटक दिया, जिससे उत्पन्न हुए बीरभद्र, जिन्होंने दक्ष का प्राण लिया। भक्तों, एक बार एक वृकासुर नामक राक्षस ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काट कर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी ने कहा, तथास्तु। भक्तों, वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभो, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। एक राक्षस था वृकासुर नाम, करने लगा वह शिव का ध्यान। सोचा शिव को खुश करने को अर्पित कर दूंगा अपना प्राण। अपने शरीर को काट काट कर करने लगा वह शिव को अर्पण। अंत में अपना शीश काट कर करने चला सर्वस्व समर्पण। तभी शिव ने दिया उसको दर्शन, कहा वृकासुर तुम मांगो वर। असुर ने कहा कि वो मर जाए, हाथ रखूं मैं जिसके भी सर। शिव ने कहा ऐसा ही होगा, असुर हुआ खुश पावरदान। पर वरदान की सत्यता जाचन शिवर जला है वहां ज्ञान। भक्तों, भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस अब कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे।
शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने वृकासुर से कहा कि असुरराज कहाँ भागे जा रहे हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, आप सब प्रकार से समर्थ हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। वृकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो, शिवजी का तो अपना कोई घर ही नहीं है, वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं, वह भला किसी को क्या वर देंगे। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। वृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने उसके साथ छल कर झूठा वरदान दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और वृकासुर उसमें भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। भागते शिव गए विष्णु लोक, विष्णु को बताई है परेशानी, हंस कर कहा तब विष्णु जी ने, वर के कारण हुई है हानि। भेष बदल कर विष्णु पहुँचे जहाँ वृकासुर नजर है आया, विष्णु ने कहा हे असुराज ऐसा क्यों है हाल बनाया। वृकासुर ने तब विष्णु जी को वर की सारी बात बताई, कहा विष्णु ने असुर राज से ऐसा भी कहीं होता है भाई। रख लिया है उस असुर राज ने अपना हाथ अपने ही सर पर, भस्म हो गया वो एक पल में, फलित हुआ है शिव जी का वर। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर युद्ध होता रहा कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही उस पत्थर का अंत ढूंढने में लग गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। थक कर भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूं तो विष्णु ज्यादा शक्तिशाली कहलाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने केतकी फूल को साक्षी बताकर झूठ कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर से आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है ना ही शुरुआत, और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने केतकी फूल और ब्रह्मा जी को झूठ बोलने का दंड दिया। पांच सिर वाले ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले सिर को शिव जी ने काट दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी के चार सिर ही हैं, और केतकी को श्राप दिया कि उसका प्रयोग कभी भी पूजन कार्य के लिए नहीं होगा। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव भगवान शिव की जय। हुआ युद्ध ब्रह्मा विष्णु में, कौन है ज्यादा शक्तिशाली, तभी हुई एक आकाशवाणी, चारों ओर फैली थी लाली। एक पत्थर फिर नजर है आया जिसका आकार था लिंग समान, जो भी ढूंढेगा इसका अंत वही होगा सबसे बलवान। विष्णु ढूंढ पाए ना मान लिया है उन्होंने हार, पर ब्रह्मा ने कहा है छोड़, शिव ने कहा करो दंड स्वीकार। मेरा नादि मेरा नंद, मैं हूँ व्यापक मैं हूँ अनंत, सब कुछ मुझसे ही है आता, अंत में सब मुझ में ही समाता। भक्तों, जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो शिवलिंग पर गंगा जल, साफ पानी या फिर गाय के दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल धारा पतली और धीमी गति के साथ गिरे, तीव्र गति के साथ जलाभिषेक न करें।
बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा अधूरी है। तीन पत्तों वाला साबुत बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। बेलपत्र को चिकनी सतह की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के अलावा आप भांग, धतूरा, आंख या मदार का फूल, शमी के पत्ते आदि भी अर्पित कर सकते हैं। भक्तों, शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के बाई ओर से परिक्रमा शुरू करें और अर्धचंद्राकार स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। शिवलिंग के जलहरी यानी अभिषेक के दौरान जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है उसे लांघते नहीं है, इस वजह से हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं। भक्तों, जब भी आप शिव मंदिर जाएं या घर पर शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले आचमन आदि से शुद्धि जरूर करें। स्वयं को शुद्ध करने के बाद ही पूजन करें। शिव पूजा में ध्यान रखें कि तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना है। ये सभी वस्तुएं शिव पूजा में वर्जित हैं। प्रेम से बोलिए भक्तों, आदि देव महादेव शिव की जय। सन का
संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। जगेंद्र
Oh,
करपूर गाँव
शिवाय,
शिवे नमः शिवाय। हर हर हो